दोस्तों, वैसे तो इंडिया में बैलिस्टिक मिसाइल पर रिसर्च 1960s में शुरू हुई थी, लेकिन इंडिजीनियस मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के ऑब्जेक्टिव से जुलाई 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP की बुनियाद रखी गई। IGMDP द्वारा देश में डेवलप की गई पहली मिसाइल पृथ्वी थी, जबकि दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अग्नि मिसाइल की सीरीज है। अग्नि मिसाइल की रेंज पृथ्वी से ज्यादा है। इंडिया ने 1989 में अग्निवन मिसाइल के साथ अग्नि मिसाइल सीरीज का रिसर्च शुरू किया था। तब से लेकर आज तक अग्नि के 5 वेरिएंट बन चुके हैं और इन सभी की कैपेसिटी अलग अलग है। इंडिया ने जब अपने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग का सफर शुरू किया था, तब सिर्फ यूएसए, यूएसएसआर, चाइना और फ्रांस के पास ही बैलिस्टिक मिसाइल थी, लेकिन आज इस लिस्ट में इंडिया भी बड़ी शान से खड़ा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अग्नि मिसाइल को डिटेल में समझेंगे और अग्नि के सभी वेरियंट को डिटेल में एनालाइज करेंगे, साथ ही उनकी कैपेसिटी को भी जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। दोस्तों, इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक पावर को बढ़ाने के लिए अपनी वार फ्लीट में एक से बढ़कर एक लीथल वेपन को शामिल किया है। आज इंडिया के पास दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने वाली कई मिसाइल मौजूद हैं। इंडियन डिफेंस क्यूअर में पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, निर्भय, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी अनेकों मिसाइल शामिल हैं। ये मिसाइल्स इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम का बेहद अहम हिस्सा है। इनमें कई सरफेस टू सरफेस मिसाइल है तो कुछ ग्राउंड टू एयर मिसाइल है। वहीं इंडिया के पास समुद्र से फायर की जाने वाली मिसाइल भी मौजूद है। इन सभी मिसाइल्स में अग्नि इंडियन मिसाइल सिस्टम की मेन बैकबोन है। अग्नि मिसाइल के कई वेरियंट है, आइए एक एक करके उन सभी को विस्तार में जानते हैं। दोस्तों, इंडिया ने 1983 में अग्नि समेत टोटल 5 मिसाइल के डेवलपमेंट पर काम शुरू किया। 27 मई 1989 को वो हिस्टोरिकल मोमेंट था जब अग्नि वन का टेस्ट किया गया। ये लो रेंज मिसाइल है और ये 700 किलोमीटर रेंज में अटैक करने में सक्षम है। 12 टन वजनी और 15 मीटर लंबी अग्नि वन को काफी पहले से ही सेना में शामिल कर लिया गया था, लेकिन टाइम टू टाइम इसके एक्सपेरिमेंटल टेस्ट किए जाते रहे। अग्नि वन इंडिजीनियसली मेड बैलिस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है। ये मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम वेट को ले जा सकती है। DRDO की प्रीमियर मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग लैबोरेटरी ने डिफेंस रिसर्च लैबोरेटरी और रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। दोस्तों, अगर बात अग्नि 2 की करें तो अग्नि 1 की तरह ही ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। 2009 में 2 बार इसके टेस्ट किए गए, लेकिन दोनों बार ही टेस्ट अनसक्सेसफुल रहे। इसके बाद 17 मई 2010 को उड़ीसा के विलर आइलैंड से इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। दोस्तों, विलर्स आइलैंड का नाम अब इंडिया के मिसाइल मैन के नाम पर डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है। खैर, बात करें अग्नि 2 की तो ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान पूरी तरह से इसकी रेंज में है, जबकि चाइना का वेस्टर्न पार्ट भी इसकी पहुंच में है। ये मिसाइल अपने साथ 1 टन पेलोड ले जा सकती है। पेंसिल शेप की ये मिसाइल अल्ट्रा मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी से लैस है। अग्नि 2 मिसाइल भी पूरी तरह से इंडिजीनियसली मेड है। 17 टन वजनी ये मिसाइल 21 मीटर लंबी है और 1 मीटर चौड़ी है। अग्नि 2 को 2004 में ही सेना में शामिल कर लिया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इसके कई टेस्ट किए जा चुके हैं जो सभी सक्सेसफुल रहे हैं। इसको रात को भी सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है, यानी रात के समय कोई कंट्री जंग छेड़ दे तो अग्नि 2 के द्वारा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। दोस्तों, बात करें अग्नि 3 की तो सरफेस टू सरफेस अटैक करने वाली ये मिसाइल भी अपने साथ न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3 मीडियम रेंज की मिसाइल है और 3500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को हिट कर सकती है और अपने साथ 1.5 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। 50 टन वजनी ये मिसाइल 17 मीटर लंबी है, जबकि इसका डायमीटर 2 मीटर का है। अग्नि 3 मिसाइल का फर्स्ट टेस्ट 2006 में उड़ीसा के डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया था, जिसे पार्शली सक्सेसफुल बताया गया था। इसके बाद फिर से 2007 और 2008 में इसके टेस्ट किए गए जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे, और आगे चलकर अग्नि 3 के कई और भी सक्सेसफुल टेस्ट किए जा चुके हैं जिनमें नाइट टेस्ट भी शामिल है। ये मिसाइल हाइब्रिड नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम से इक्विप्ड है, साथ ही ये एडवांस ऑन बोर्ड कंप्यूटर के साथ ग्रिड कंट्रोल पैनल से कनेक्टेड है। दोस्तों, अगर हम अग्नि 4 की बात करें तो ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान और लगभग आधा चाइना आता है। ऐसे में अग्नि 4 मात्र 20 मिनट में चाइना के आधे शहरों को और पाकिस्तान के किसी भी शहर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसका पहला टेस्ट 11 दिसंबर 2010 में किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से यह सफल नहीं रहा। इसके बाद नवंबर 2011 में इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। आपको बता दें कि अग्नि 4 अग्नि 2 का ही एडवांस वर्जन है। इसमें कई न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और ये पहली मिसाइल
मिसाइल से हल्की है। न्यूक्लियर वेपन ले जाने में कैपेबल ये मिसाइल अपने साथ 1 टन पेलोड ले जा सकती है। 17 टन वजनी ये मिसाइल 20 मीटर लंबी है और इसका डायमीटर 1.5 मीटर है। इस मिसाइल के भी कई और सुबह, दोपहर, शाम और रात को सक्सेसफुल टेस्ट किए जा चुके हैं। 6 जून 2022 को इसका लास्ट टेस्ट किया गया था। ये मिसाइल हर मौसम में अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। अग्नि 4 अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है और इसमें 5th जनरेशन के कंप्यूटर लगे हैं। वहीं इसमें लगा रिंग लेजर गायरोस्कोप यानी RLG इसकी कैपेसिटी को और भी इन्हेंस करता है। दोस्तों, अगर बात अग्नि 5 की करें तो ये सीरीज की सबसे पावरफुल मिसाइल है। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को अटैक करने में सक्षम है। 5000 किलोमीटर रेंज की ये मिसाइल किसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के करीब है, जिसकी रेंज मिनिमम 5500 किलोमीटर होती है। यानी इस मिसाइल की रेंज में पूरा चाइना, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्से आ जाएंगे। न्यूक्लियर वेपन ले जाने में कैपेबल ये मिसाइल अपने साथ 1500 किलो तक के वॉरहेड ले जा सकती है और 15 से 20 मिनट में अपने टारगेट को हिट कर सकती है। यानी ये इंडिया की सबसे पावरफुल मिसाइल में से एक है। 50 टन वजनी इस मिसाइल की लंबाई 17 मीटर है और इसका डायमीटर 2 मीटर का है। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है। यानी ये 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसके अलावा अग्नि 5 की मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्निक भी काफी खास है, जिसकी वजह से इसके वॉरहेड पर कई वेपन्स लगाए जा सकते हैं। ऐसे में ये मिसाइल एक बार में कई टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अग्नि 5 मिसाइल को जो चीज सबसे डेडली बनाती है वो है कि इसे कहीं से भी किसी भी सरफेस से लॉन्च किया जा सकता है। यानी किसी भी रेलवे स्टेशन या किसी रोड से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि 5 को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने तैयार किया है। ये मिसाइल कनस्ट्राइज्ड है, इसे रेल या रोड दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। कनस्ट्राइजेशन मिसाइल को सभी तरह के वेदर और सिचुएशन में सेफ रहने और इसे लॉन्च करने में हेल्प करता है। यानी किसी भी मौसम से इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अग्नि 5 का फर्स्ट टेस्ट 2012 में किया गया था। तब से लेकर अब तक इसके कई टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें नाइट ऑपरेशन मोड टेस्ट भी शामिल है। दोस्तों, इंडिया अग्नि सीरीज की 6th बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम का भी टेस्ट कर चुका है। DRDO ने 18 जुलाई 2021 को न्यू जनरेशन की एडवांस मिसाइल अग्नि पी को उड़ीसा के डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से सक्सेसफुली टेस्ट किया था। अग्नि पी मिसाइल 2 स्टेज और सॉलिड फ्यूल बेस्ड है। साथ ही इसे एडवांस रिंग लेजर गायरोस्कोप यानी RLG बेस्ड नेविगेशन सिस्टम से गाइड किया जा सकता है। डबल स्टेज वाली अग्नि प्राइम को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रोड और मोबाइल लॉन्चर दोनों से ही लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि पी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। भले ही इस मिसाइल की रेंज कम है, लेकिन इसमें अग्नि 5 की टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है, जिस वजह से अग्नि 1 और अग्नि 3 से ज्यादा एडवांस है। यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि पी अपने साथ 1000 किलोग्राम के न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती है। यह मिसाइल अग्नि 1 के मुकाबले हल्की और पतली है, जिस वजह से इसे कैरी करना बेहद आसान है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह मिसाइल अग्नि 1 को रिप्लेस करेगी। दोस्तों, आज इंडिया अपनी मिसाइल्स में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। अग्नि 5 के सक्सेसफुल टेस्ट के बाद से ही DRDO ने अग्नि 6 पर काम शुरू कर दिया था और जल्द ही अग्नि 6 का टेस्ट भी किया जा सकता है। अग्नि 6 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM होगी, जो मल्टीपल री एंट्री व्हीकल से लैस होगी। ये टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ गिने चुने देशों के पास है। एक्सपर्ट के अनुसार अग्नि 6 की रेंज 6000 किलोमीटर तक होने की संभावना है, लेकिन इसे बढ़ाकर 12000 किलोमीटर तक भी किया जा सकेगा। ये न्यू जनरेशन की मिसाइल होगी, जो काफी पतली होगी और इसे आसानी से कहीं भी लेकर जाया जा सकेगा। इसे तुरंत डिप्लॉय भी किया जा सकेगा। इस मिसाइल को सबमरीन से लेकर लैंड बेस लॉन्चर से भी लॉन्च करना मुमकिन होगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया मिसाइल डेवलपमेंट के मामले में काफी आगे निकल चुका है। मौजूदा समय में हम इंटरकॉन्टिनेंटल क्लब में शामिल हैं। इस क्लब में USA, रशिया, चाइना और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। किसी भी देश की आर्मी की ताकत सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसके पास कितने मॉडर्न वेपन हैं, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वो ऐसे वेपन बनाने में कितना सक्षम है। इंडिया ने आजादी के बाद से ही साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज के कम्बिनेशन से कई अनोखे सेफगार्ड तैयार किए हैं। इनमें एंटी शिप एयर डिफेंस, बैलिस्टिक क्रूज, एयर टू एयर एंटी मिसाइल सिस्टम समेत वर्ल्ड के लीथल एंड एडवांस मिसाइल सिस्टम शामिल है। यहाँ तक कि स्पेस में भी टारगेट को हिट करने की क्षमता इंडिया के पास है। दोस्तों, अग्नि सीरीज की मिसाइल को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।